एक राजा अपने राज्य का जायजा लेने निकला था। अचानक एक दुकान के बाहर रुका और अपने मिनिस्टर से बोला कि मुझे मन में आ रहा है कि इस दुकान के मालिक को मैं लटका दूं। मिनिस्टर चौंक चुका था, वो पूछता उससे पहले तो राजा आगे निकल गया। दूसरे दिन ये मिनिस्टर सादे कपड़ों में उस दुकानदार के पास गया, ऐसे ही जैसे कोई आम आदमी हो। इधर उधर की बातों में पूछा उसने, धंधा कैसा चल रहा है? दुकानदार बोला, कैसा धंधा, देखो ना दुकान पे सब लोग आते हैं, मेरे चंदन की लकड़ियों की खुशबू लेकर जाते हैं, माल सामान की प्रशंसा करते हैं, बस खरीदता कौन है? बोला, अब तो बस ये राजा मरे तो उसके लिए चंदन की लकड़ियों की डिमांड आए और बहुत आएगी, आखिर राजा है वो और मैं एक ही तो हूँ चंदन की लकड़ियों वाला यहाँ पर, और है कौन? अब मिनिस्टर को समझ आया कि राजा ने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि मन करता है कि दुकानदार को लटका दूं। दुकानदार ने राजा को नेगेटिविटी दी और राजा भी उसी नेगेटिविटी से पीड़ित होकर बोल गया। मिनिस्टर ने तुरंत कहा कि मुझे कुछ चंदन की लकड़ी दे दो। दुकानदार खुश हो गया, अरे वाह, उन लकड़ियों को सुंदर लपेट के दिया। मिनिस्टर ने सीधा जाके राजा के पास उन लकड़ियों को रखा, कहा कि महाराज आपके लिए भेंट है, चंदन की लकड़ियों वाला जो दुकानदार है उसने भेजी है। चंदन की खुशबू और उनके सुनहरे रंग को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। अपनी ओर से उस दुकानदार के नाम कुछ सोना मोहरे भेज दी। राजा को बहुत दुख हो रहा था कि उसने दुकानदार के बारे में ऐसा कहा था। दुकानदार को दुख हुआ कि उसने राजा के मरने की दुआ की थी। उस दिन से राजा के गुणगान गाना शुरू कर दिया था, अर्थात व्हाट यू गिव टू द वर्ल्ड इज व्हाट यू गेट बैक। किसी ने एक स्वामी जी से पूछा था कि ये कर्मा क्या है, हमारे शब्द, हमारे काम, हमारी भावनाएं? स्वामी जी ने जवाब दिया था, योर थॉट्स आर योर कर्मा। आज के दिन में हर विचार की जांच करेंगे, नेगेटिव थॉट आते ही ना उसको वहीं कुचल देंगे। अर्चना नी साथ है, सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, अमदावाद आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से गुड मॉर्निंग एंड